हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में तो ये वाला टॉपिक हमारे एमटीएस के लिए भी है पोस्टमैन के लिए भी है और जो हमारे पीए के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी है तो ये तीनों के लिए कॉमन है तो आज हम इसको देख लेते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनमें हमारे पास मेन आता क्या क्या है एक तो हमारे पास मेल्स आती हैं बैंकिंग रेमिटेंस इंश्योरेंस टिकट्स और व्यवसाय तो जो हमारी मेल्स हैं बैंकिंग है या हमारे प्रेषण है या बीमा या टिकट्स वगैरह जो हमारे व्यवसाय हैं वो वाले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आते हैं अब जो हमारे पास मेल्स हैं वो होती कितने टाइप की हैं तो मेल्स हमारे पास मेनली दो टाइप की हैं इसमें एक फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मेल इस तरह इनको डिवाइड किया गया है जो हमारी फर्स्ट क्लास मेल है उसमें हमारे लेटर्स आते हैं पोस्ट कार्ड्स और लेटर कार्ड आते हैं ये तीनों हमारे फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं और जो हमारे फ़र्स्ट क्लास मेल आर्टिकल जो होते हैं उनका फ्री एयर ट्रांसमिशन होता है ठीक है उनकी जो एयर ट्रांसमिशन है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं जहाँ भी पॉसिबल हो इंडिया में उसके बाद जो हमारी सेकेंड क्लास मेल आती है उसमें क्या आते हैं बुक पैकेट सैम्पल एंड पैटर्न पैकेट जो हमारे नमूने या प्रतिरूप पैकेट हो गई उसके बाद बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रियोडिकल्स ऐसे बुक पैकेट्स जिनमें प्रियोडिकल्स यानी कि पत्रिकाएं हों ब्लाइंड लिटरेचर जो हमारे अंध सित हो गए पार्सल मेल प्रोडक्ट्स जो हमारे पार्सल्स हो गए तो ये वाले हमारे पास आ गए सेकंड क्लास मेल अब आपके पास मेन चीज़ क्या आपको याद करनी है कि आपके पास टोटल कितने टाइप की मेल होगी गई टेन टाइप की ठीक है थ्री उसमें फर्स्ट क्लास हो गई और सेवन जो रिमेनिंग बच गई वो आपके पास सेकंड क्लास मेल हो गई और जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो एयर ट्रांसमिशन है वो फ्री होती है जहाँ भी पॉसिबल हो इंडिया में और जो सेकेंड क्लास है उसके लिए आपको जो है एयर चार्जेस देने पड़ते हैं अगर उनकी ट्रांसमिशन बाई एयर होनी हो नो फ्री एयर ट्रांसमिशन जो सेकंड क्लास है उसकी जो एयर ट्रांसमिशन है वो फ्री नहीं है उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट इनमें क्या क्या आता है स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल मीडिया पोस्ट लॉजिस्टिक पोस्ट डायरेक्ट पोस्ट बिजनेस पोस्ट अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है मेल प्रोडक्ट्स लेटर्स इन लेटर कार्ड पोस्ट कार्ड बुक पैकेट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ब्लाइंड लिटरेचर पार्सल वैल्यू पेबल पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्लस इंश्योरेंस तो इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो आज पहले हम शुरू करते हैं हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी सर्विस जो हमारी सी ओ डी सर्विस होती है प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ कलेक्टिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो आपको बताइए जैसे हमारी जो कैश ऑन डिलीवरी वाली सर्विस होती है इसमें क्या होता है कि सेंडर जो होता है वो प्रोडक्ट को भेज देता है अब जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो जो सेंडर होता है वो बाल उसके लिए चार्जेस देगा उसके जो भी पैसे होंगे वो देगा उसमें जो सामान होगा उसके लिए वो पे करेगा और फिर उसके बाद जो हमारा सेंडर होगा उसको पैसे भेजे जाएंगे सी ओ डी इज़ अवेलेबल अप टू और जो हमारी कैश ऑन डिलीवरी वाली सर्विस है ये मैक्सिमम कितने रुपए तक है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तक है कैश ऑन डिलीवरी सर्विस इज़ अवेलेबल टू एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस पार्सल एंड स्पीड पोस्ट कर कस्टमर्स तो जो हमारे एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस पार्सल या फिर स्पीड पोस्ट कस्टमर्स हैं इन सभी के लिए जो हमारी कैश ऑन डिलीवरी वाली सर्विस है वो अवेलेबल है स्पेसिफाइड अमाउंट रिकवरी फ्रॉम एड्रेसी अब जितना अमाउंट स्पेसीफाई किया है कि एड्रेसी से इतना जो कैश ऑन डिलीवरी है उसको जब डिलीवर किया जाएगा तो एड्रेसी से कितना अमाउंट लिया जाएगा जो निर्धारित अमाउंट है नोट एक्सीड फिफ्टी थाउजेंड नोट इंक्लूड ए फ्रैक्शन ऑफ रुपीज़ तो जो ये वाला अमाउंट है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ से ज़्यादा आप नहीं रिसीव कर सकते हैं कूपनस टिकट्स सर्टिफिकेट्स और इंट्रोडक्शन डिज़ाइन फॉर द सेल ऑफ गुड्स नोन एज स्नो बॉल सिस्टम नोट एलोर तो जो हमारा स्नोवॉल सिस्टम है ठीक है उसके रूप में हमारे पास अगर कोई कूपन है टिकट है सर्टिफिकेट है या कोई इंट्रोडक्शन जिनको हमने किसी गुड्स किसी सामान की सेल के लिए डिज़ाइन किया है तो ऐसे स्नोवॉल सिस्टम के रूप में जो भी सामग्री होगी उसको आप कैश ऑन डिलीवरी वाले उसमें नहीं भेज सकते हैं इस सर्विस के अंडर आप इसको नहीं भेज सकते हैं पोस्टे चार्जेस प्लस इंश्योरेंस फीस भेड़नी डर तो जो कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई भी आर्टिकल भेज रहे हैं तो उसमें एक तो पोस्टेज चार्जेस लगेंगे उसके बाद इंश्योरेंस फीस भी लगेगी अगर कहीं ज़रूरत पड़े ठीक है ज़रूरत पड़ने पर ही लगाई जाएगी इंश्योरेंस फीस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी जो हम अमाउंट रिकवर करेंगे एड्रेसी से और जो उस उसके ऊपर फीस लगेगी वो कैसे लगेगी अप टू फाइव थाउजेंड रुपीज़ अब जो हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी है अगर उसमें जो अमाउंट रिकवर करना है वो पाँच हज़ार रुपये तक है तो टू परसेंट ऑफ अमाउंट रिकवर्ड और फिफ्टी रुपीज़ भेर या भेर अवरेज मोर तो इसमें क्या है हमारे पास कि या तो जो हम हमने हम पाँच हज़ार रुपये तक भेजा है ठीक है उसमें या तो जो अमाउंट है उसका टू परसेंट लगेगा या फिर फिफ्टी रुपीज़ आपसे चार्जेस लिए जाएंगे जो एड्रेस ही होंगे बट ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये हमारा डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से ज़्यादा क्या है कि टू परसेंट जो अमाउंट रिकवर किया है वो ज़्यादा है या फिफ्टी रुपीज़ ज़्यादा है तो जो भी ज़्यादा होगा वो रिकवर किया जाएगा Above 5, अब फाइव थाउजेंड रुपीज़ अब पाँच हज़ार रुपये से ऊपर है तो इसमें सौ रुपये लगेंगे ही लगेंगे प्लस उसके बाद पाँच हज़ार रुपये से जितनी भी ऊपर की वैल्यू होगी उसका एक परसेंट ठीक है इसमें सौ रुपये उसके बाद जो भी उसके ऊपर की वैल्यू हो गई उसका एक परसेंट ऐड करके वो वाली फीस ली जाएगी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेस रिमिटेड टू सेंडर थ्रू ई पेमेंट अब जो अमाउंट रिकवर करेंगे एड्रेस से वो हम सेंडर को कैसे भेजेंगे ई e पेमेंट के थ्रू अब ई e पेमेंट के बारे में भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि होती क्या है उसके बाद हमारे यहाँ बुक पुनऊ पे लेटर इसका क्या मतलब है कि आप अब बुक कीजिए ठीक है आप कोई आर्टिकल अब बुक करते हैं और उसके लिए आप भुगतान जो है बाद में करेंगे बुकनऊ पे लेटर फैसिलिटी फॉर बल्क कस्टमर्स एग्रीमेंट विद डिपार्टमेंट तो जो हमारी फैसिलिटी no है वो है किसके लिए बल्क कस्टमर जो थोक ग्राहक होते हैं जो बड़ी मात्रा में आ, पोस्ट करते हैं उनके लिए वाली सुविधा है बल्क कस्टमर्स प्रोवाइड टेन थाउजेंड बर्थ हो स्पीड पोस्ट बिजनेस इन अ कैलेंडर मंथ एट स्पीड पोस्ट बुकिंग ऑफिस तो जो हमारे बल्क कस्टमर्स हैं वो होते क्या हैं वो जो हमारे बल्क कस्टमर हैं वो एक कैलेंडर माह में ठीक है जीके? इन एक कैलेंडर मंथ की एक कैलेंडर माह में जो स्पीड पोस्ट बुकिंग ऑफिस है वहाँ पर दस हज़ार रुपये तक का स्पीड पोस्ट बिजनेस देते हैं मतलब कि एक कैलेंडर माह में वो दस हज़ार रुपये तक की स्पीड पोस्ट सामग्रियाँ पोस्ट करेंगे उन्हें हम बल्क कस्टमर कहेंगे फार बुक नाउ लेटर फैसिलिटी बल्क कस्टमर हैज़ टू एग्रीमेंट विद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी तो जो हमारा बी एन पी एल बुक नाउ लेटर वाली फैसिलिटी है उसके लिए जो कस्टमर है जो बल्क कस्टमर है उसको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नामित प्राधिकार के साथ समझौता करना पड़ता है एग्रीमेंट करना पड़ता है एंड शैल हैव टू प्रोड्यूस बैंक गारंटी ठीक है इसमें एक तो हो गया कि उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के साथ प्लस वो बैंक गारंटी भी देगा उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है जो हमारा एग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा एप्प्लीकेबल फॉर वन ईयर तो उसकी जो टाइम है वो कितने साल के लिए है एक साल के लिए है कितने समय के लिए बारह महीनों के लिए होगा बुक एंड अप्रूविंग अथॉरिटी रिन्यू दी कॉन्ट्रैक्ट ऑन एनुअल बेसिस और जो अथॉरिटी होगी रीन्यूएबल अथॉरिटी होगी वो एनुअल बेसिस वार्षिक आधार पर उसको रीन्यू करेगी उसका नवीकरण करेगी बुक नो पे लेटर बिल्स अब जो हमारे बुक नो पे लेटर में अब ठीक है अपने पोस्ट कर दिया अब जो उसके बिल होंगे वो कैसे आप पे करेंगे प्रीपेड ऑन मंथली बेसिस कैलेंडर मंथ बाई ऑफिस ऑफ पोस्टिंग तो जो हमारा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होगा जहाँ से आप पोस्ट कर रहे हैं जो प्रेषक के पते पर काम करता है फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था कि ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होता क्या है तो जो सेंडर के पते पर काम करता है ठीक है उसको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कहते हैं तो जो हमारा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होगा वो प्रीपेड करेगा मंथली बेसिस पर बिल रेज बाई सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ और जो बिल होगा वो सात uh, सात तरीक को जो अगला महीना आएगा उसकी सात तरीक को जनरेट होगा बिल ड्यू डेट बिल कितने दिन के आप भीतर आपको जमा करना है थर्टी डेज फ्रॉम बिल जनरेशन तो जितने जब बिल जनरेट हो गया उसके तीस दिन के अंदर आपको बिल वो जमा करना पड़ता है फेल्स टू मेक पेमेंट बाई ड्यू डेट अगर आप इस तरीक तक आप उसके थर्टी डेज के भीतर भीतर अगर आप बिल की पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी बारह परसेंट पर एनूम मतलब वार्षिक आधार पर बारह परसेंट यदि बल्क कस्टमर स्पीड पोस्ट सामग्रियों को भेजते समय ही फुल पेमेंट करता है और एक कैलेंडर मंथ में पचास हज़ार या उससे अधिक रुपये का स्पीड पोस्ट बिजनेस देता है तो वह डिस्काउंट का पात्र होगा तो अब जो हमारा बल्क कस्टमर है उसको डिस्काउंट कब मिलेगा जब वो एक ही एक कैलेंडर कैलेंडरमा में या तो कम से कम पचास हज़ार रुपये तक की स्पीड पोस्ट बिजनेस देगा या फिर जो स्पीड पोस्ट सामग्रियाँ वो भेज रहा है उनके लिए जो पेमेंट है वो उसी समय कर देता है उनको भेजते समय ही तो वो शूट का पात्र होगा उसको डिस्काउंट मिल जाएगा उसके बाद हमारी आती है स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू स्पीड पोस्ट है स्पीड पोस्ट प्रोवाइड्स एक्सप्रेस एंड टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल बेंग अप टू थर्टी फाइव किलोग्राम्स तो जो हमारे लेटर्स और पार्सल्स हैं उनको एक तो वो जल्दी से और दूसरा आपको एक टाइम स्पेसिफिक टाइम के भीतर वो डिलीवरी दे देगा कि अगर पाँच दिन के भीतर उसने पहुँचना है तो पाँच दिन के भीतर ही पहुँचेगा ठीक है, है वो आपको एक टाइम बाउंड फैसिलिटी देता है कि आपका जो लेटर है या स्पीड पार्सल है वो इतने दिन के भीतर पहुँच जाएगा एड्रेसी के पास फीचर्स अब जो हमारी स्पीड पोस्ट है उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो एक तो आपको इंश्योरेंस मिल जाती है उसमें अप टू वन लैक ट्वेंटी फोर आवर बुकिंग इन सेलेक्टेड ऑफिस इन मेजर सिटीज़ तो जो बड़े शहरों में मेजर सिटीज़ में कुछ एक सेलेक्टेड office, जो ऑफिसज़ हैं उनमें ट्वेंटी फोर आवर बुकिंग होती है स्पीड पोस्ट की इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तो इंटरनेट के माध्यम से आप जो आर्टिकल है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ट्रेस भी कर सकते हैं डिलीवरी इन्फॉर्मेशन ऑन एस एम एस तो जब भी आप कोई आर्टिकल बुक करते हैं तो जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसके आपके जो इन्फॉर्मेशन है जो डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन है आपको एक एस एम एस के थ्रू भी मिल जाती है फ्री पिकअप फॉर बल्क एंड कॉरपोरेट कस्टमर्स और कॉरपोरेट और जो हमारे बल्क कस्टमर्स हैं उनके लिए फ्री पिकअप सुविधा भी है बुक नौ पे लेटर वाली सुविधा भी है इसमें स्पीड पोस्ट में वॉल्यूम वेस्ट डिस्काउंट भी मिलता है फॉर कॉरपोरेट एंड रेगुलर कस्टमर्स जो हमारे कॉरपोरेट और रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट मिल जाता है सी सर्विस भी है इसमें कंपनसेशन चार्जेस अब क्षतिपूर्ति चार्जेस कैसे होते हैं डिले अगर देरी हो जाए इसमें क्योंकि टाइम बाउंड है अगर वो टाइम से पहले नहीं पहुंचती है तो उसके लिए आपको कंपनसेशन मिलेगा तो जितने आपने स्पीड पोस्ट चार्जेस दिए होंगे वो आपको मिल जाएंगे बट अगर उसमें लो हो जाता है या फिर वो डैमेज हो जाती है कहीं गुम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपको डबल ऑफ स्पीड पोस्ट चार्जेस और आई एन तो इसमें क्या है हमारे पास कि अगर जो आपका स्पीड पोस्ट आर्टिकल है वो गुम हो जाता है या उसमें ख़राब हो जाता है और उसमें क्षति हो जाती है कोई तो आपको स्पीड पोस्ट जो चार्जेस होंगे उसके डबल चार्जेस मिलेंगे या फिर वन थाउजेंड रुपीज़ मिलेंगे इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट अब डिस्काउंट कैसे मिलता है इसमें टू थाउजेंड रुपीज़ टू वन लाख अगर आप दो हज़ार से एक लाख रुपए तक भेजते हैं तो आपको पाँच परसेंट डिस्काउंट है और एक लाख से ऊपर भेजते हैं तो आपको दस दस परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ओनली एप्लीकेबल विद सेम सेंडर्स एड्रेस तो भेजने वाला सेम सेंडर होना चाहिए जो सेंडर है उसका एड्रेस सेम होना चाहिए इ रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ बुकिंग इन ए डे और जो ये वाले हमारे पास दो हज़ार रुपये से एक लाख रुपये तक है एक एक दिन में बुक होने चाहिए ट्रांसिट नॉर्म्स अब जो हम भेजते हैं आर्टिकल भेजते हैं उसमें वो कितना समय लगता है कहाँ पहुँचने के लिए तो वो पढ़ते हैं सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट लोकल के लिए अब आप कोई आर्टिकल स्पीड पोस्ट आर्टिकल लोकल के लिए बुक करते हैं तो एक से दो दिन में वो डिलीवर हो जाएगा मेट्रो में टू मेट्रो अब मेट्रो से मेट्रो के लिए एक से तीन दिन लग जाएंगे स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल अब कोई राजधानी से राजधानी भेज रहे हैं राज्य की राजधानी जो होती है तो इसके लिए एक से चार दिन लग जाएंगे सेम स्टेट एक ही राज्य में भेज रहे हैं तब भी एक से चार दिन लग सकते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री फोर टू फाइव डेज अगर आप अपने स्टेट से किसी और स्टेट में भेज रहे हैं या कहीं भी कंट्री में भेज रहे हैं तो चार से पाँच दिन में वो पहुँच जाएगा उसके बाद है प्रूफ ऑफ़ डिलीवरी जो हमारा पी ओ डी चार्जेज़ होते हैं आई एन आई एन आर टेन रुपीज़ पर आर्टिकल इन एडिशन ऑफ स्पीड पोस्ट चार्ज तो जो स्पीड पोस्ट चार्ज होंगे उसके साथ दस रुपये आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ेंगे अगर आप ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी भेजना चाहते हैं हमारे पास से टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पीड पोस्ट तो फ्रेंड्स जो हमारे पास जितने भी टैरिफ स्ट्रक्चर्स हैं और बाकियों के भी जो हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर पी के रूप में प्रोवाइड करवा दूँगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट ई एम एस जो हमारी एक्सप्रेस मेल सर्विस होती है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट होती है प्रीमियम एंड टाइम बॉन्ड इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड मर्चेंडीज तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे दस्तावेज़ होते हैं उनके लिए हमारे पास इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है जिसमें इसमें भी हमें टाइम बोंड जो सर फैसिलिटी है वो मिल जाती है बुकिंग ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज़ और जो हमारी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है हम लगभग जितने भी डिपार्टमेंट के पोस्ट ऑफिसेज़ है वहाँ बुक कर सकते हैं इन मेट्रो एंड अदर मेजर सिटीज़ बुक टिल लेट इन इवनिंग तो जो हमारी कुछ एक मेट्रो या फिर अदर मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे जो हमारी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है उसकी बुकिंग लेट इवनिंग तक होती है इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी और इसमें हमें जो इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी भी मिल जाती है कि हम आर्टिकल को ट्रैक कर सकते हैं वो कहाँ पहुँचा बेट प्रिकॉशंस मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है इसके लिए भी थर्टी फाइव किलोग्राम्स तो जो हमारी डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट है उसमें भी थर्टी फाइव किलोग्राम्स हैं और जो हमारी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है उसमें भी थर्टी फाइव किलोग्राम्स हैं सम कंट्रीज़ हैव लोअर बेट प्रिकॉशंस रिस्ट्रिक्शन तो कुछ है कंट्रीज़ के लिए कम है बट मैक्सिमम जो थर्टी फाइव किलोग्राम्स है मेन यही है साइज शैल नॉट एक्सीड वन पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम एनी वन डमेंशन तो जो हमारी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है उसमें जो लेंथ है उसमें एक पॉइंट फाइव मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसके बाद जो सम ऑफ लेंथ प्लस ग्रेटस्ट सरकम जो उसकी सबसे बड़ी पीधि है और उसकी लंबाई है उसकी दोनों का जो, जो जोड़ है वो तीन मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सम इम्पोर्टेंट डिलीवरी स्टैंडर्ड्स अब कुछ जो हमारे इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है हम अब भेजेंगे उनको फॉरेन कंट्रीज़ के लिए उसमें हम कुछ देख लेते हैं कितना कितना टाइम लगता है तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए चार से आठ दिन लग जाते हैं बांग्लादेश के लिए तीन से सात दिन लगते हैं कनाडा के लिए पाँच से नौ लग सकते हैं चाइना के लिए चार से नौ दिन लग सकते हैं फ़्रांस के लिए चार से आठ दिन लग सकते हैं जर्मनी के लिए फोर से एट डेज़ लग सकते हैं जापान के लिए थ्री टू सिक्स डेज़ नीदरलैंड और न्यूजीलैंड चार से आठ दिन लग सकते हैं सिंगापुर के लिए तीन से छः दिन लग सकते हैं श्रीलंका के लिए तीन से सात दिन यू के लिए फ़ोर से एट डेज़ यू के लिए टू टू सिक्स डेज़ और यू के लिए फोर टू सेवन डेज़ तो ये वाले इंपॉर्टेंट है कुछ इसलिए मैंने अलग से लिख दिए हैं आप इनको याद कर लीजिएगा इंटरनेशनल ईएमएस जो इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल सर्विस आर्टिकल्स हैं उन पर कस्टम एग्जामिनेशन होनी चाहिए जो हमारे कस्टम निरीक्षण है वो हुआ होना चाहिए और इसके लिए कौन कौन से फॉर्म यूज़ होते हैं तो इसमें सी एन ट्वेंटी टू एंड सी एन ट्वेंटी थ्री ये दो फॉर्म यूज़ होते हैं अब जो जो हमारा सी एन ट्वेंटी टू फॉर्म है कब यूज़ किया जाता है आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू बिलो एस डी आर थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड तो जब थ्री हंड्रेड एस डी आर से नीचे की वैल्यू का कोई आर्टिकल है तब उस फॉर्म सी एन ट्वेंटी टू यूज़ होता है और जब थ्री हंड्रेड से ऊपर वाला आर्टिकल है या थ्री हंड्रेड का है तो उसके लिए सी जो हमारा फोम है वो यूज़ होता है और एस की फुल फॉर्म फोम क्या होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स उसके बाद हमारे पास कंपनसेशन चार्जेज क्षतिपूर्ति प्रभार डिले अब जो हमारा इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल है अगर वो डिले हो जाता है उसमें पहुंचने में देरी हो जाती है डिफरेंस बिटवीन ई एम एस चार्जेस और रजिस्टर्ड पोस्ट चार्जेस तो उसके लिए आपको ई एम एस चार्जेस जो एक्सप्रेस मेल सर्विस चार्जेस होंगे उसके जो रजिस्टर्ड पोस्ट चार्जेस होंगे इन दोनों का डिफरेंस इनको माइनस करके जो चार्जेस होंगे वो आपको मिलेंगे लोस्ट और डैमेज होने पर थर्टी एस डी आर उसके बाद हमारे पास प्रीम बिजनेस पार्सल अब बिजनेस पार्सल होता है क्या है प्रीमियम सरफेस सर्विस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कस्टमर्स तो जो हमारे बिजनेस कस्टमर्स हैं उनके लिए उनकी ज़रूरत के लिए जो बिज़नेस पार्सल है वो सुविधा है और जो हमारी बिजनेस पार्सल है उसमें सिर्फ सरफेस सर्विस है एयर सर्विस नहीं है फीचर्स अब इसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं अवेलेबल आउट द कंट्री तो एक तो ये पूरी देश में है उपलब्ध है बेट अब इसका बेट कितना हो सकता है मिनिमम टू किलोग्राम्स और मैक्सिमम थर्टी फाइव किलोग्राम्स फ्रेंड्स मिनिमम टू किलोग्राम्स का मतलब होता है जैसे यहाँ पे बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि मिनिमम फाइव किलोग्राम मिनिमम टू किलोग्राम तो इसमें क्या है हमारे पास कि अगर मान लीजिए उसका वेट फाइव हंड्रेड ग्राम्स है उसको तब भी एक्सेप्ट किया जाएगा बट जो उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे वो मिनिमम टू किलोग्राम के लगेंगे ठीक है डायमेंशन मैक्सिमम लेंथ इन एनी डायरेक्शन 1.5 मीटर तो जो हमारी इसकी डायमेंशन है बिजनेस पार्सल की तो उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है डेढ़ मीटर और उसकी लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट सरकम उसकी लंबाई कितनी हो सकती है दोनों का जोड़ थ्री मीटर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं इंटरनेट वेस्ट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तो इसमें हमें पहले तो इंटरनेट के माध्यम से उसके ट्रैक और ट्रेस की फैसिलिटी मिल जाती है डोर स्टेप डिलीवरी आपको घर पे उसकी डिलीवरी मिल जाएगी डोर स्टेप उसकी डिलीवरी होगी पिकअप फ्रॉम देयर परमिसेज और उनके प्रांगण से ही उसको पिकअप करने की सुविधा है इंश्योरेंस है इसमें बीमा फैसिलिटी मिल जाएगी वॉल्यूम डिस्काउंट है ठीक है उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी सर्विस है उसके बाद आती है हमारे पास बिल मेल सर्विस कम्युनिकेशन इन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्स मंथली अकाउंट बिल्स और सच अदर आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर तो जो हमारी बिल में सर्विस है उसमें क्या है हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो कैसा क्या, होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल या मंथली अकाउंट बिल्स के रूप में होगा ठीक है उसमें आप कोई भी लेटर मेल या उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर कोई भी पब्लिसिटी मटेरियल नहीं होना चाहिए तो बिल मेल सर्विस में जो हमारा निजी संचार नहीं हो सकता है कोई भी ठीक है लेटर मेल के रूप में या फिर कोई भी पब्लिसिटी मटेरियल उसमें नहीं भेज सकते हैं बिल मेल सर्विस में डायरेक्ट पोस्ट के तहत अब डायरेक्ट पोस्ट क्या होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं के तहत पर इंसर्टन चार्ज कितना होता है पच्चीस पैसे लगता है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स टू बी पोस्टेड एट ए टाइम तो जो हमारी बिल मेल सर्विस है उसमें आप एक ही एक बार में कम से कम कितने आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं तो फाइव थाउजेंड ऐट ए टाइम ठीक है इतने आर्टिकल आपको बुक करने पड़ेंगे इससे कम एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे पोस्टेज चार्जेस अप टू फिफ्टी ग्राम्स तीन रुपये फार एवरी एडिशनल फिफ्टी ग्राम्स और पार्ट देयर ऑफ टू रुपीज़ तो ये वाले चार्जेस लगेंगे कस्टमर हैंड ओवर बिल मेल फुली सोट पिन कोड बाइज तो जो हमारे आ, बिल मेल आर्टिकल्स होंगे वो कैसे शॉर्ट किए जाएंगे पिन कोड वाइज ठीक है वो जो हैंड ओवर करेगा कस्टमर वो किस हिसाब से शॉर्ट करेगा उनको पिन कोड वाइज बंडल डिलीवरी और जो हमारे पास बुक नो पेलेट हमारे बिल मेल सर्विस में आर्टिकल्स होंगे बंडल जो बंडल होंगे उनकी डिलीवरी कैसे होगी अकॉर्डिंग टू तो पोस्ट ऑफिस वाइज ठीक है नो क्रेडिट फैसिलिटी और हमारी बिल मेल सर्विस में उसमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है नेशनल बिल मेल सर्विस जो हमारी नेशनल बिल मेल सर्विस है उसमें क्या है डेस्टिनेशन अदर देन लोकल बीच आर नोट सर्वड बाई बिल मेल सर्विस तो ऐसी जगहों के लिए आप नेशनल बिल मेल सर्विस भेज सकते हैं जहाँ पे बिल मेल सर्विस जो है जो ये वाली फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है नेशनल बिल मेल सर्विस आर्टिकल्स एक्सेप्टेड एट ऑल बिल मेल सर्विस सेंटर्स तो जो हमारे नेशनल बिल मेल आर्टिकल्स हैं वो कहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं जितने भी हमारे बिल मेल सेंटर्स हैं वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं हैव टू बी सबमिटेड इन पिन कोड बाइज बंडल्स विद अ चेक स्लिप इंडिकेटेड पिन कोड टाइड विद ईच बंडल तो जो हमारे बंडल्स होंगे उनको कैसे सबमिट करेंगे उनको पिन कोड बाइज सबमिट करेंगे और उसके ऊपर एक चैक स्लिप बांध देंगे जिस पर पिन कोड इंडिकेट किया होगा और ये जो भी हमारे पास चेक स्लिप होगी जाँच पर्ची होगी प्रत्येक बंडल के ऊपर हम बांध देंगे चार्जिस फॉर नेशनल बिल मेल सर्विस तो जो हमारी नेशनल बिल मेल सर्विस है उसमें सात चार्जेस कैसे लगते हैं फर्स्ट फिफ्टी ग्राम के लिए फाइव रुपीज़ उसके बाद जितने भी फिफ्टी ग्राम एडिशनल है उसमें टू रुपीज़ लगते हैं नो एडिशनल चार्जेस फॉर ई जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन ऑफ डिलीवरी है उसके लिए कोई इसमें चार्जेस नहीं लगते हैं फ्री ऑफ चार्ज है मिनिमम आर्टिकल सबिटेड एट ए टाइम फॉर नेशनल बिल मेल सर्विस टेन थाउजेंड तो जो हमारी बिल मेल सर्विस है उसमें फाइव थाउजेंड है और जो हमारी नेशनल बिल मेल सर्विस है उसमें मिनिमम कितने होनी चाहिए टेन थाउजेंड एट ए टाइम उसके बाद हमारी आती है ई पोस्ट थ्रू इंटरनेट मैसेज सेंट इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड गिवस टू एड्रेस एज हार्ड कॉपी तो क्या है हमारे पास ई e पोस्ट होती क्या है कि इसमें जो हमारा संदेश है जो हमने मैसेज भेजना है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजा जाता है ठीक है इंटरनेट के माध्यम से उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजा जाता है और जो एड्रेस ही होता है उसको हार्ड कॉपी के रूप में दिया जाता है फिजिकली उसको वो हार्ड कॉपी के रूप में दे दिया जाता है इसका पर्पज़ क्या है टू मेक बेनिफिट्स ऑफ ई मेल अवेलेबल टू एवरी वन एंड टू ब्राइड दी डिजिटल डिवी डिवाइड तो इसमें क्या है हमारे पास कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारा इंटरनेट आधारित विभाजन है उसको कम करने के लिए और जो हमारी ई मेल सुविधा है उसका लाभ सभी को उपलब्ध कराने के लिए ताकि जो हमारे जो कोई भी ई मेल का यूज़ नहीं कर पाता है उसको भी इसका बेनिफिट मिल जाए तो इसलिए ई पोस्ट की शुरुआत की गई थी ई पोस्ट अवेलेबल बाई कॉर्पोरेट कस्टमर्स बिजनेस एग्रीमेंट विद दी इंडिया पोस्ट तो जो हमारे ई पोस्ट सुविधा है वो कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए भी अवेलेबल है उसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है बिजनेस एग्रीमेंट होगा इंडिया पोस्ट के साथ इंटरनेट के माध्यम से संदेश सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजा जाता है और पाने वाले को हार्ड कॉपी के रूप में दे दिया जाता है उसे हम ई e पोस्ट कहते हैं उसके आगे है टैरिफ जो हमारे चार्जेस हैं वो कैसे लगेंगे रिटेल जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए टेन रुपीज़ पर पेज ठीक है दस रुपये पर पेज और जो ये पेज होंगे होंगे कैसे ए फोर साइज पेपर होंगे फैंड हंड थ्रू पोस्ट ऑफिस अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजता है तो दस रुपये पर पेज अगर कस्टमर ओन परमिसेज तो सिक्स रुपये पर पेज कॉरपोरेट कस्टमर के लिए सिक्स रुपये पर पेज पड़ेगा बट अगर वो एक ही टाइम में पचास या उससे अधिक पेजेस भेजता है तो ऐसी स्थिति में पाँच रुपये पर पेज के हिसाब से उसको लगेगा मैसेज मैनी टू वन अब बहुत सारे बहुत सारे बंदों से एक बंदे को भेज रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पाँच रुपये पर पेज पहले सेंडर के लिए पाँच रुपये पर पेज अटैचमेंट अप टू वन एम बी और फाइव रुपये पर पेज फॉर ई सबसेकेंड सेंडर तो इसमें पाँच पाँच रुपये प्रत्येक सेंडर के लिए ऐड होते जाएंगे और अटैचमेंट भेजनी है एक एम बी तक तब भी उसके लिए पाँच रुपये लगेंगे और जो हमारा पर पेज है उसके लिए भी पाँच रुपये लगेंगे पहले जो सेंडर होगा पहला प्रेषक होगा उसके लिए मैसेज वन टू मैनी अब एक से बहुत ज़्यादा को भेजने हैं तो इसमें पाँच रुपये पर पेज लगेगा पहले दस रेसिपेंट्स के लिए कि पहले दस कस्टमर्स को वो भेज रहा है किसी रेस्टोरेंट को भेज रहा है तो उसके लिए पाँच रुपये लगेंगे पाँच रुपये पर अटैचमेंट अप टू वन एम बी अगर वन एम बी तक कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं तो तीन रुपये लगेंगे उसके बाद तीन रुपये लगेंगे फॉर ईच सब्सिक्वेंट रेसिपेंट एलेवन टू ट्वेंटियथ रेसिपेंट तो ग्यारह से बीस तक जितने भी रेसिपेंट होंगे उनके लिए तीन रुपये पर पेज के हिसाब से लगेगा उसके बाद हमारी आती है डायरेक्ट पोस्ट स्टार्ट इन दो जून 2005 हज़ार पाँच दो जो हमारी डायरेक्ट पोस्ट है टू जून टू जीरो जीरो फाइव में शुरू हुई थी इसमें क्या है हमारे पास ध्यानपूर्वक चयनित तो उपभोक्ता और व्यावसायिक व्यवचार से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मुद्रित लेख है जो प्रत्यक्ष विज्ञापन की सुविधा प्रदान करता है तो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनकी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करता है डायरेक्ट मेल प्रिंटेड मैटर यूजली कैरिंग ए सेल मैसेज और अनाउंसमेंट डिजाइन टू एलेक्ट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम केयरफुली सिलेक्टेड कस्टमर्स और बिजनेस मार्ट मार्केट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मीडियम फॉर डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो भी ध्यानपूर्वक चहिता चयनित तो उपभोक्ताएँ और व्यावसायिक बाजार है ठीक है उससे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक डिज़ाइन किया गया मुद्रित लेख होता है ठीक है जो प्रत्यक्ष विज्ञापन की सुविधा प्रदान करता है उसे हम डायरेक्ट पोस्ट कहेंगे डायरेक्ट पोस्ट होता है क्या है जो अन एड्रेस कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट मेल जो हमारी डायरेक्ट मेल है उसका अन एड्रेस घटक होता है डायरेक्ट पोस्ट कंप्राइज अन एड्रेस पोस्टल आर्टिकल्स लाइक अब जो हमारी डायरेक्ट पोस्ट है उसमें क्या कौन कौन से आर्टिकल आते हैं बट जो हमारे इसमें आर्टिकल्स आएंगे वो अन एड्रेस पोस्टल आर्टिकल्स होंगे जैसे लाइटर हो गए कार्ड्स हो गए ब्रोशर हो गए फिर प्रश्नावली हो गई पैम्पलेट्स हो गए सैम्पल्स हो गए प्रोमोशनल आइटम्स जैसे सी डी फ्लोपी पेन ड्राइव्स होगी कैसेट्स होगी कूपन्स पोस्टर्स मेलर्स प्रिंटेड कम्युनिकेशन नोट प्रोविटेड बाय इंडिया पोस्ट एक्ट 1898 और पोस्ट ऑफिस रूल 1933 तो जो हमारी डायरेक्ट पोस्ट है उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बट इसमें प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए जो इंडिया पोस्ट एक्ट एट्टीन नाइन्टी एट के आधार पर प्रोहिबिटेड हो या फिर जो पोस्ट ऑफिस रूल 1933 है उसके आधार पर प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए उसके बाकी ये वाली जो भी चीज़ें आप जो हमारी डायरेक्ट पोस्ट है उसके थ्रू भेज सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स एक्सेप्ट अंडर डायरेक्ट पोस्ट अब डायरेक्ट पोस्ट के अंडर ठीक है अगर कोई आप पोस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी होगी कितने आर्टिकल आपको भेजने पड़ेंगे वन थाउजेंड एट ए टाइम तो एक ही समय में आपको वन थाउजेंड पीसीज भेजने पड़ेंगे आर्टिकल्स भेजने पड़ेंगे अब जो हमारे पास डायरेक्ट पोस्ट है उसका साइज़ कैसा होगा ए थ्री साइज़ होना चाहिए जो पेपर है उसका ए थ्री साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए आर्टिकल पोस्टेड एज डायरेक्ट पोस्ट बेयर नो नेम एंड एड्रेस ऑन दी कम्युनिकेशन तो जितने भी आर्टिकल्स को आप डायरेक्ट पोस्ट के तहत पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी एड्रेस नहीं होना चाहिए ठीक है ना ही नाम होना चाहिए बिल एक्सेप्ट इन बल्क और ये वाले जो बल्क हमारे डायरेक्ट पोस्ट में आर्टिकल्स कैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं बल्क में थोक में एक्सेप्ट किए जाते हैं आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी इन अदर टाउन एक्सेप्टेड इन पिन कोड वाइज बंडल्स तो अगर किसी और शहर में आर्टिकल्स की जो डायरेक्ट पोस्ट के तहत आप भेजें उनकी डिलीवरी होनी है तो उन्हें कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा पिन कोड वाइज बंडल्स में एक्सेप्ट किया जाएगा प्री पेमेंट इन बिजनेस पोस्ट फर्स्टली प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ तो इसमें पहले प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ होंगी जैसे इंसर्टिंग होगी फ्रैंकिंग या फिर गमिंग ये वाली जो भी प्री मेलिंग प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पोस्ट करने से पहले पोस्ट ऑफिस में की जाती हैं उन्हें प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं ठीक है वो जैसे इंसर्टन हो गई फ्रैंकिंग हो गई उस पर शाप लगानी कोई या उसको गोंद वग़ैरह लगाना तो ये वाली चीज़ें होंगी पहले उसके बाद जो पेमेंट होगी वो बिज़नेस पोस्ट के अंडर होगी फॉर एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग बिजनेस पोस्ट और बिज़नेस पोस्ट के रिलेटेड अगर आपने कोई भी इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए आपको सॉरी आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेल होगा ठीक है डायरेक्ट मेल के तहत अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आपको किसके साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा सी जी जो हेड ऑफ़ सर्कल होता है उसके साथ आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा चार्जेस इन डायरेक्ट पोस्ट अब जो हमारी डायरेक्ट पोस्ट है उसमें चार्जेस कैसे लगते हैं पर आर्टिकल फॉर फर्स्ट ट्वेंटी ग्राम्स प्रत्येक आर्टिकल के लिए पहले बीस ग्राम पर अगर लोकल है तो एक रुपये पचास पैसे लगेंगे ठीक है इंटरसिटी अगर बाहर के लिए है तो दो रुपये लगेंगे पर आर्टिकल फॉर एवरी एडिशनल ट्वेंटी ग्राम्स और पार्ट देर ऑफ वन रुपीज़ बोथ लोकल एंड इंटरसिटी तो उसके बाद जितने भी उसके एडिशनल ट्वेंटी ग्राम्स होंगे उनके लिए एक रुपया लगेगा चाहे वो लोकल है चाहे वो बाहर के लिए भेज रहे हैं कमीशन जोन डायरेक्ट पोस्ट फाइव थाउजेंड आर्टिकल्स एट ए टाइम फाइव परसेंट कमीशन तो जो हमारी डायरेक्ट पोस्ट है उसमें कमीशन कम मिलता है जब आप एक ही समय पाँच हज़ार आर्टिकल भेजते हैं तो उसमें आपको फाइव परसेंट कमीशन मिलेगा उसके बाद हमारी लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड कस्टमर्स ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशेंट सोल्यूशन विच मैनेज दी एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस दी कंट्री तो जो लॉजिस्टिक पोस्टर डाक ग्राहकों को एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है इसमें क्या होता है संग्रहण से लेकर भंडारण तक भेजने से लेकर वितरण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन फीचर्स अब जो हमारी लॉजिस्टिक पोस्ट है उसके फीचर्स क्या क्या है तो इसमें फुल ट्रक लोड और लेस ट्रक लोड या लो ट्रक लोड सर्विस अवेलेबल है कस्टमर्स कैन सेंट देयर कंसाइनमेंट्स आइदर इन फुल ट्रक लोड एफ टी एल और लेस ट्रक लेस देन ए ट्रक लोड एल टी एल वन पार्सल और मल्टी पार्सल तो ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार फुल ट्रक लोड लो ट्रक लोड एक पार्सल या मल्टी पार्सल के रूप में भेज सकते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट यूजिज ए स्पेशल नेटवर्क फॉर कैरिंग एंड डिलीवरिंग The consignments, it moves the shipments by road, rail, air, and ensures safe and timely delivery. Operate between fixed cities. तो जो हमारी लॉजिस्टिक पोस्ट है उसमें जो हमारे पोस्ट ऑफिस है वो कैसे भेजते हैं बाई रोड भी भेजते हैं रेल से भी भेज सकते हैं बाई एयर भी भेज सकते हैं और इन्श्योर करते हैं कि उनकी सेफ और टाइमली डिलीवरी हो जाए और ये बिटवीन फिक्स्ड सिटीज़ और ये मतलब कि फिक्स्ड सिटीज़ के बीच ही ऑपरेट करते हैं इनका जो काम है फ़िक्स्ड सिटी के बीच ही होता है बेयर हाउसिंग सर्विसेज अब बेयर हाउसिंग सर्विस होती क्या है कि जो भंडारण चार्जेस होते हैं कि अब आप, आपने कोई आर्टिकल है भेजा है ठीक है उसको अगर कहीं भंडारण करके रखना पड़े ठीक है तो उसके बेयर हाउसिंग सर्विस कहते हैं तो उसमें क्या है ऑप्शन फॉर कस्टमर्स फॉर स्टोरेज ऑफ कंसाइनमेंट्स तो बेयर हाउसिंग सर्विस में क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एक ऑप्शन मिल जाती है कि जो वो कंसाइनमेंट भेज रहे हैं उनको वो स्टोर करके रख सकते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड पिक एंड पे एक फैसिलिटी तो जो हमारी लॉजिस्टिक पोस्ट है उसमें पिक एंड पे एक सुविधा भी मिलती है रिटर्न सर्विस अवेलेबल अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट और इसमें रिटर्न सर्विस भी अवेलेबल है मिनिमम चार्जेबल वेट अब जो हमारी लॉजिस्टिक पोस्ट है उसमें मिनिमम चार्जेबल वेट कितना है 50 किलोग्राम्स एंड नो मैक्सिमम लिमिट और इसके लिए मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है मोर देन वन आर्टिकल टू वन एड्रेसी ट्रीटेड एज वन अगर एक ही एड्रेसी के लिए आप एक से ज्यादा आर्टिकल भेज रहे हैं तो उसे एक मानना जाएगा उसे एक आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा रेट मिनिमम चार्ज अब जो इसमें चार्जेस लगेंगे इसमें जो मिनिमम चार्ज कितने लगेंगे पचास रुपये प्लस डोकेट चार्जेस जो हमारे डिलीवरी प्लस पिक पिकअप चार्जेस हैं हंड्रेड रुपीज़ तो ये मिनिमम है फॉर दिस देशलिटी कॉन्टैक्ट विद नीरेस्ट लॉजिस्टिक सेंटर और सी पी एम जी तो जो हमारी लॉजिस्टिक पोस्ट है उसकी सुविधा का लाभ लेने के लिए आप जो नज़दीकी लॉजिस्टिक केंद्र है या फिर सी पी एम जी जो हमारा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है हेड ऑफ सर्कल उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं के बाद आती है हमारी बिजनेस पोस्ट प्रोवाइड सोल्यूशंस फ्रॉम मेल प्रेपरेशन टू मेल डिलीवरी आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसिस एंड वेल एज लार्ज कंपनीज तो छोटे व्यापारी से लेकर बड़ी कंपनियों तक मेल की तैयारी से लेकर मेल के वितरण तक एक आदर्शपूर्ण समाधान प्रदान करता है तो उसे हम बिजनेस पोस्ट कहते हैं बिजनेस पोस्ट प्रोवाइडिंग प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ तो प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ मैंने जैसे आपको पीछे बताया कि जो आपने पोस्ट करने से पहले जो एक्टिविटीज़ होती हैं पोस्ट ऑफिस में उसे प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं ठीक है इसमें हमारे पास कौन कौन सी आपको प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ मिलेंगी कलेक्शन फोल्डिंग बिफोर इंशर्टन इंशर्टन सीलिंग फ्रैंकिंग मैनुअल एड्रेसिंग पेस्टिंग प्री प्रिंटेड लेबल्स कम्ड ठीक है जो जो प्री प्रिंटेड लेबल्स हैं पहले से ही छपे हुए लेबल्स हैं बट उनको उनके ऊपर गोंद नहीं लगी है पेस्टिंग प्री प्रिंटेड लेबल्स विदाउट गम्ड सॉरी इसमें अगर गोंद लगी है और उसके बाद बिना गोंद वाले जो प्री प्रिंटेड लेबल्स हैं उसके बाद स्पेशल हैंडलिंग फॉर आर्टिकल्स बेइंग अप टू हंड्रेड ग्राम सो ऐसे आर्टिकल्स जो हंड्रेड ग्राम तक के उनकी स्पेशल हैंडलिंग के लिए इनशर्टन टू बी मैच विद दी एड्रेस वो एड्रेस के साथ मैच करने के लिए इनशर्टन है स्पेशल हैंडलिंग फॉर एवरी एडिशनल हंड्रेड ग्राम और पार्ट देर ऑफ उसके बाद जो सो ग्राम के बाद के जो सो ग्राम है उसके लिए स्पेशल हैंडलिंग है फार कंटिन्यू स्टेशनरी दैट रिकॉर्ड कटिंग तो ये वाली ठीक है संग्रहण हो गया फोल्डिंग फॉर इन हो गया या सील करना उनको या फ्रैंक करना या हाथ से हाथ से एड्रेस लिखना या लेबल चिपकाना ठीक है गोंद वाले या बिना गोंद वाले या जो आर्टिकल चाहे हंड्रेड ग्राम्स तक उनके लिए स्पेशल हैंडलिंग तो ये वाली सारी जो प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ है आपको कहाँ मिलेंगी बिजनेस पोस्ट में मिल जाएंगी इन बिज़नेस पोस्ट एनुअल रिपोर्ट्स आर एक्सेप्टेड ऑन प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश अंडर स्पेशल लाइसेंस तो जो हमारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो कैसे एक्सेप्ट की जाती हैं बिजनेस पोस्ट में उसके लिए एक स्पेशल लाइसेंस होता है ठीक है और उसके लिए आपको प्री पेमेंट इन पोस्टेज करनी पड़ती है जो पोस्टेज है उसकी प्री पेमेंट करनी पड़ती है कैश में अंडर स्पेशल लाइसेंस बिजनेस पोस्ट सर्विस प्रोवाइड्स ए वन स्टॉप सोल्यूशन तो ठीक है तो हमारा जो एक क्वेश्चन आ सकता है कि वन स्टॉप सोल्यूशन आपको किस सर्विस में मिलता है तो आपको याद होना चाहिए जो बिज़नेस पोस्ट है उसमें हमें जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो मिलता है ठीक है आप एक जगह जाएंगे आपके सारे काम हो जाएंगे आपको एड्रेस भी लिखने एड्रेस uh, भी लिख आपका मिल जाएगा फिर उसके बाद इन वी फ्रैंकिंग जो भी आप चाहते हैं वो सारा काम हो जाएगा बिजनेस पोस्ट सर्विस ठीक है ये हो गया बाय प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ ठीक है तो सभी प्रकार की प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ से आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है अब उसके बाद देखते हैं हम कि जो प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ होंगी उनके जो चार्जेस होंगे वो क्या क्या होंगे ठीक है चार्जेस फॉर प्री मेलिंग फॉर कलेक्शन अब कलेक्शन के लिए अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो पचास पैसे और अनरजिस्टर्ड के लिए तीस पैसे फोल्डिंग बिफोर इंसर्टन तो ठीक है उसके लिए आपके पास रजिस्टर्ड अन रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड के लिए बीस पैसे अनरजिस्टर्ड के लिए दस पैसे इन सर्टन के लिए बीस पैसे रजिस्टर्ड के लिए और अनरजिस्टर्ड के लिए भी बीस पैसे लगेंगे उसके बाद है फ्रैंकिंग रजिस्टर्ड के लिए फोर्टी रुपीज़ लगेंगे और अनरजिस्टर्ड के लिए फिफ्टी पैसे लगेंगे सॉरी फोर्टी पैसे लगेंगे मैनुअल एड्रेसिंग अगर आपने हाथ से एड्रेस लिखना है तो उसके लिए रजिस्टर्ड के लिए पचास पैसे अनरजिस्टर्ड के लिए भी पचास पैसे सीलिंग के लिए दोनों के लिए सेम है बीस पैसे और बीस पैसे पेस्टिंग प्री प्रिंटेड लेवल्स काउंट अगर गोंद वाले आगने जो लेवल्स हैं प्री प्रिंटेड लेवल्स हैं वो चिपकाने हैं तो उसके लिए आपको जीरो पॉइंट जीरो फाइव पैसे और जीरो पॉइंट जीरो फाइव पैसे दोनों के लिए सेम है पेस्टिंग प्री प्रिंटेड लेवल्स विदाउट गम अब बिना गोंद के आपने लेवल चिपकाने हैं प्री प्रिंटेड तो उसके लिए दोनों के लिए सेम है दस पैसे और दस पैसे इंसर्टर टू बी मैचड विद दी एड्रेस अगर इंसर्टर को एड्रेस के साथ मैच करना है तो उसके लिए दोनों के लिए सेम है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के लिए तो फिफ्टी पैसे लगेंगे स्पेशल हैंडलिंग हैं। फॉर आर्टिकल्स बेंगे अप टू हंड्रेड ग्राम्स अगर हंड्रेड ग्राम्स तक के आर्टिकल्स के लिए स्पेशल हैंडलिंग हैं। के लिए हैं रजिस्टर्ड के लिए थर्टी पैसे और अनरजिस्टर्ड के लिए सेवेंटी पैसे स्पेशल हैंडलिंग फॉर एवरी एडिशनल हंड्रेड ग्राम्स और पार्ट देयर ऑफ रजिस्टर्ड के लिए ट्वेंटीज और अनरजिस्टर्ड के लिए भी ट्वेंटी है फार कंटिन्यूस टेस्टिंग दैट रिक्वायर्ड कटिंग रजिस्टर के लिए जीरो पॉइंट जीरो फाइव और रजिस्टर के लिए जीरो पॉइंट जीरो फाइव पैसे उसके बाद हमारी आती है रिटेल पोस्ट आल्सो नोन एज बन स्टॉप शॉप तो जो हमारी रिटेल पोस्ट है उसको बन स्टॉप शॉप भी कहा जाता है इंडिया पोस्ट कैन हेल्प यू हेल्प योर बिजनेस ग्रो थ्रो रिटेल पोस्ट जो खुरदा डाक के माध्यम से जो पोस्ट ऑफिस है वो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा रिटेल पोस्ट सर्विस यूज पोस्ट ऑफी नेट कन्वीनियंस दिनरल पब्लिक बाई मेकिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड तो इसमें होता है क्या है कि जो हमारी जनरल पब्लिक है ठीक है पोस्ट ऑफिस नेटवर्क उस जो नेटवर्क है उसका यूज़ किया जाता है जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बेचने के लिए ठीक है तो ये इसका रिटेल पोस्ट का काम होता है अंडर रिटेल पोस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कलेक्शन ऑफ अदर बिल्स फ़ीस फॉर गवर्नमेंट एंड आल्सो सेल एप्लीकेशन फॉर्म्स तो इसमें होता है क्या है जो हमारी रिटेल पोस्ट में बिजली बिल या करों का संग्रह अन्य बिलों का संग्रह और सरकार के लिए फ़ीस और आवेदन पत्र बेचने का काम किया जाता है पोस्ट ऑफिस नेटवर्क आल्सो यूज टू सेल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक और जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो उनको भी बेचने का काम करता है जैसे सेल रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स रेलवे रक्षण टिकटों की बिक्री राखी अनवल्प हो गए जो राखी के लिए लिफाफे होते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन सर्विस जो पता सत्यापन सेवा है इन सब को वो करता है टू कस्टमर्स इन रिटेल पोस्ट थ्रू ई पेमेंट अकॉर्डिंग टू देयर बिलर आईडी तो जो हमारी रिटेल पोस्ट है उसमें कस्टमर्स को पेमेंट कैसे होती है ई e पेमेंट के थ्रू होती है ई बिल एंड ई पेमेंट अब ये क्या होते हैं हमारे पास एक तो ये हमारे कहाँ पे है अवेलेबल इन मोर देन फोर्टीन थाउजेंड पोस्ट ऑफिस तो चौदह हजार पोस्ट ऑफिस से अधिक पोस्ट ऑफिस में ये वाली सुविधा उपलब्ध है और ये होती क्या है ऑप्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसिस टू तो कलेक्ट देयर बिल्स एंड पेमेंट्स थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क व्यवसायों और संगठनों को डाकघर के माध्यम से बिलों या अन्य भुगतानों को इकट्ठा करने का एक विकल्प है मैनी टू बन मैनी टू बन सोल्यूशन विच एलोज कलेक्शन ऑफ मनी एंड कलेक्शन इज कंसोलीटेड इलेक्ट्रॉनिकली तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी कलेक्शन होती है ठीक है उसको इकट्ठा करके मतलब कि उसको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंसोलिडेट किया जाता है मतलब कि उसको संयुक्त करके रखा जाता है जैसे टेलीफोन बिल हो गए इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए एग्जामिनेशन फ़ीस हो गई टैक्सेस हो गए कर जो भी है यूनिवर्सिटीज फीस हो गई या कोई स्कूल फ़ीस है इन सबको इकट्ठा करके रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिकली इनका संग्रह किया जाता है बाय सॉफ्टवेयर ठीक है सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है ये एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक फ्रॉम स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस और बिल्डर चॉइस और जो पेमेंट की जाती है वो कैसे की जाती है जो हमारे चेक है उनके द्वारा स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस से चेक के द्वारा की जाती है इसमें टैरिफ क्या है अगर आपके पास एक हज़ार एक हज़ार रुपये तक आपके पास ई बिल हैं तो उसके लिए पाँच रुपये लगेंगे एक हज़ार एक से पच्चीस सौ रुपये तक हैं तो दस रुपये पच्चीस सौ एक से लेके कर पाँच हज़ार रुपये तक फिफ्टीन रुपीज़ लगेंगे और पाँच हज़ार से ऊपर के हैं तो आपके वो ट्वेंटी रुपीज़ लगेंगे उसके बाद हमारी आती है मीडिया पोस्ट एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट टू हेल्प इंडियन कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पोस्ट विज्ञापन की सुविधा का अवसर प्रदान करता है चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो दोनों के लिए विज्ञापन की सुविधा प्रदान करता है एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट मीडिया अब जो विज्ञापन की सुविधा प्रदान करता है वो कहाँ कहाँ पे विज्ञापन करता है तो पोस्टल स्टेशनरी लेटर बॉक्सिस एंड पोस्टल परमिसेज तो डाक स्टेशनरी लेटर बॉक्स या डाक भवन पर विज्ञापन की सुविधा प्रदान करता है तो इसमें अब हम तो देखते हैं कि मीडिया जैसे हमारे पास पोस्ट कार्ड है तो उसके लिए अगर सिंगल कलर में आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है या मल्टी कलर में करनी है या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए तो पोस्ट कार्ड के लिए सिंगल कलर दस पैसे और मल्टी कलर ट्वेंटी पैसे है। और मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए अगर आप मल्टी कलर कर रहे हैं तो उसके लिए दस लाख होनी चाहिए और सिंगल कलर कर रहे हैं तो पाँच लाख होनी चाहिए इन लैंड लेटर कार्ड के लिए सिंगल कलर के लिए फ़िफ्टीन पैसे और मल्टी कलर के लिए थर्टी पैसे और क्वान्टिटीज़ के लिए सेम है एरोग्राम के लिए बीस पैसे और चालीस पैसे मल्टी कलर के लिए है और क्वान्टिट्टी सेम है एनअल पीस जो लिफाफे होते हैं अगर आपने उस पर कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए सिर्फ मल्टी कलर में अवेलेबल है तीस पैसे लगेंगे और क्वांटिटी दस लाख फॉर मल्टी कलर और फाइव लाख फॉर सिंगल कलर उसके बाद हमारा आता है मेघ दूत पोस्ट कार्ड तो मेघ दूत पोस्ट कार्ड में सिर्फ मल्टी कलर फैसिलिटी है तो उसके लिए दो रुपये लगेंगे पर आर्टिकल के हिसाब से और मिनिमम क्वान्टी वन लाख होनी चाहिए मनी ऑर्डर फॉर्म तो मनी ऑर्डर फॉर्म के लिए सिंगल कलर ही अवेलेबल है तो इसमें दस पैसे लगेंगे और क्वांटिटी कितनी आपकी मिनिमम दस लाख होनी चाहिए पोस्ट ऑफिस सेविंग पासबुक जो पोस्ट ऑफिस सेविंग की पासबुक होती है उसके लिए दस पैसे लगते हैं और मिनिमम क्वांटिटी फाइव लाख होनी चाहिए उसके बाद हमारा एक्सप्रेस पार्सल इंट्रोड्यूस इन दो दिसंबर दो तो इसकी शुरुआत दो दिसंबर दो को ही थी फॉर बोथ रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर सो रिटेल और कॉरपोरेट कस्टमर दोनों के लिए है साइज लेंथ 100 सेंटीमीटर इन एनी डायमेंशन तो जो एक्सप्रेस पार्सल है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लेंथ प्लस गेट 180 सेंटीमीटर यानी कि 1.8 मीटर हो सकती है मिनिमम चार्जेबल बेट 500 हंड्रेड ग्राम्स मैक्मम बेड रिटेल के लिए 20 किलोग्राम है और कॉरपोरेट के लिए 35 फाइव किलोग्राम्स हैं वैल्यू पेबल फैसिलिटी फॉर रिटेल कस्टमर्स अप टू फाइव थाउजेंड रुपीज़ कैश ऑन डिलीवरी सर्विस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स अप टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तो जो हमारी वैल्यू वीपी फैसिलिटी है रिटेल कस्टमर के लिए वो पाँच हज़ार रुपये तक है और जो कोर्ड सर्विस है वो कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर के लिए वो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तक है नो रिडरक्शन अवेलेबल तो एक्सप्रेस पार्सल में रिडरेक्शन सर्विस नहीं है आप उसे रिडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं इट हैज़ इंश्योरेंस फैसिलिटी इसमें इंश्योरेंस फैसिलिटी है ट्रांसमिशन बाई एयर फैसिलिटी तो इसमें आप एयर से भी ट्रांसमिट कर सकते हैं फैसिलिटी फॉर कॉरपोरेट कस्टमर्स इन एक्सप्रेस पार्सल एडवांस डिपोजिट क्रेडिट फैसिलिटी फ्री पिकअप तो ये वाली फैसिलिटीज़ कॉरपोरेट कस्टमर के लिए अवेलेबल है मैक्सिमम वेट डिलीवरेबल एट बी ओ तो जो हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ पर एक्सप्रेस पार्सल की मैक्सिमम जो डिलीवरी कितने किलोग्राम तक हो सकती है तो वो टेन किलोग्राम तक हो सकती है आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन मेनली टू टाइप सर्विसज प्रोवाइडेड इन पोस्ट ऑफिस आधार सेंटर्स तो जो हमारी आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सर्विस है इसमें क्या है आधार एनरोलमेंट में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ रेजिडेंट तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर होता है डेमोग्राफिक होती है आपकी जनसंख्या की और जो आ, बायोमेट्रिक जो आपके बायोमेट्रिक होते हैं जैसे हाथों की उंगलियों के जो निशान होते हैं वो ठीक है वो इन्फॉमेशन इसको आ, अपडेट किया जाता है जो भी हमारे रेजिडेंट होते हैं निवासी होते हैं उनके ठीक है और जो आधार अपडेशन है उसमें क्या होता है कि डेमोग्राफिक अपडेशन सच एज नेम ई मेल मोबाइल नंबर एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ तो इसमें क्या अपडेट होता है आप नाम ई मेल मोबाइल नंबर एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें अपडेट होती हैं उसके साथ बायोमेट्रिक अपडेशन भी होती है जैसे फेशियल इमेज आपके चेहरे की इमेज उसके बाद टेन फिंगर आपके जो हाथों की उंगलियाँ हैं उन दस जो फिंगर हैं उनकी उनके प्रिंट्स लिए जाते हैं और आइरिस जो आँख की आंखों की पुतलियाँ होती हैं उनको भी अपडेट किया जाता है फीस लगती है इसमें फिफ्टी रुपीज़ इंक्लूडिंग एटीन परसेंट जी तो जो हमारी आधार एनरोलमेंट सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें आपके पास कोई पैसे नहीं लगेंगे बट जो आपकी आधार अपडेशन है उसमें फ़ीस कितनी है फिफ्टी रुपीज़ आपसे फिफ्टी रुपीज़ लिए जाएंगे उसके बाद हमारी गंगा जल सर्विस गंगा जल बोटल अवेलेबल फॉर पब्लिक इन सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस तो कुछ एक सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में जो गंगा जल बो बोटल हैं वो जनता के लिए उपलब्ध है इसमें साइज है हमारे पास जैसे 250 फिफ्टी है तो ये सभी आती कहाँ से गंगोत्री से तो इसमें आप अगर पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लेनी है एक बोतल 250 फिफ्टी की तो तीस रुपये लगेंगे ऑनलाइन लेनी है तो वन ट्वेंटी वन रुपीज़ लगेंगे टू बोटल्स का पैक लेना है तो उसके लिए टू जीरो वन रुपीज़ लगेंगे पर पैक और अगर आपने फोर बॉटल का पैक लेना है तो उसके लिए आपको थ्री ट्वेंटी वन रुपीज़ देने पड़ेंगे पर पैक के हिसाब से पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पी ओ पी एस के P -P तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन दोनों ने मिलकर हमारे पास जो पासपोर्ट सेवा जो आ, पोस्ट ऑफिस में शुरू की है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पी आर एस तो इसे क्या कहते है, so, हैं पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड रेलवे टिकट्स एट डोर स्टेप ऑफ पब्लिक रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स ऑफ ऑल क्लासेस तो इसमें क्या हम रेलवे जो टिकट्स हैं उनकी रिज़र्वेशन कर सकते हैं ठीक है सर लगभग ओल क्लासेस जितने भी हमारी रिजर्वेशन होती है टिकट्स की उनकी जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू ठीक है इसमें कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस है और ये वाली सर्विस कितने पोस्ट ऑफिस में थ्री थर्टी थ्री पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थे ठीक है तो इनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इसमें ये हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्कल में क्वेश्चन आया हुआ मिल जाएगा आपको ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू